अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा और आज मैं बना रही हूँ सेसमी चिकन। सेसमी चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मैंने 3 जवे लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिए, अब इसमें शामिल कर देंगे। 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, इसको भी शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से आप नमक शामिल कीजिएगा, मैंने 1/2 टीस्पून लिया। अब इनको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप मैदा, 1/2। अब हम इसको करेंगे फ्राई। यहां पर मैंने एक पैन लिया, अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूंगी एक बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन हमारा तैयार होता है, हम चलते हैं सॉस की तरफ, सॉस बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, फिर मैं शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून स्प्रिंग ऑनियन, मैंने यहाँ पर 1 कप यखनी दी है, ये शामिल कर देंगे, 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सेसमी ऑयल, यहां पर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च ले लिया, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप पानी। 1/2 कप पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लेना, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। सॉस हमारी गाढ़ी हो चुकी है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉस माशाल्लाह हमारी गाढ़ी हो गई है, चिकन भी हमारा अच्छा सा जो कसर रह गई थी वो कुक हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून तिल, 1 टेबलस्पून हरा प्याज, मिक्स कर देंगे। चिकन हमारा तैयार है, अब मैं इसको करूंगी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे स्प्रिंकल करूंगी हरा प्याज और तिल। सेसमी चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।